अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी फेवरेट और नहायत ही मज़े की बीफ तवा चाम बना रही हूँ, जो कि पर्सनली मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है, तो जल्दी से फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से अनिलास डाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ चिकन चाम की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। लेकिन आज हम ये रेसिपी बीफ में बनाएंगे, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, बीफ तवा चाम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बोनलेस बीफ लिया है और इसकी मैंने छोटे छोटे साइज़ की बोटियाँ की हैं, क्योंकि चाम्प में बोटियाँ छोटे साइज़ की ही होती हैं। तो आपने बोनलेस गोश्त लेना है, इसमें हड्डी वगैरह शामिल नहीं करनी, और अच्छी तरह से सफाई करके और वाश करने के बाद आपने पहले तो इसको यहाँ पर प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से गला लेना है। मैंने प्रेशर कुकर के अंदर बीफ शामिल करके साथ ही एक गिलास पानी का शामिल किया था, और वेट के हिलने के बाद मैंने इसको 12 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है। गोश्त हमारा अच्छा सा गल गया है, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो हमने वेस्ट नहीं करना, वो इसकी यखनी है, वो हम यहाँ पर आगे चलकर यूज़ करेंगे। चले जी, अब तवा चाम बना रहे हैं तो ज़ाहिर है तवे की ज़रूरत पड़ेगी। तो तवे को मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑन करके चूल्हे पर रख लिया है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल का शामिल किया है, और साथ ही हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज इस तरह से कट करके शामिल कर देंगे। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन कलर के हुए हैं, तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक शामिल कर दिया है, और साथ ही 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ मैं इसके अंदर लहसुन शामिल कर रही हूँ। तो लहसुन और अदरक की भी हम यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई करेंगे, और साथ ही फिर मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके शामिल कर रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छा सा भून लेने के बाद मैं इसके अंदर बीफ शामिल कर दूँगी। और फ्रेंड्स, बीफ आप जानते हैं कि ज़्यादा टाइम लेता है, इसीलिए मैंने पहले ही इसको प्रेशर कुकर के अंदर गला लिया था। अगर ये चिकन होता तो फिर इसको गलाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर हम इसी पॉइंट पर इसके अंदर चिकन शामिल कर देते। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा, और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ही साबित ज़ीरा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर खुशबू और फ्लेवर के लिए और बड़े ज़बरदस्त से टेस्ट के लिए टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, और जी अब हम इसको ऊपर से करेंगे कवर, और 5 मिनट्स के लिए हम इसको लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे। और 5 मिनट्स के बाद आप देख लें, पानी भी बड़ा अच्छा सा ड्राई हो चुका है, मसाले भी बड़े अच्छे से भुन गए हैं, और चाप जो है ना वो बहुत ही मज़े की लग रही है। तो बस जी थोड़ा सा हम यहाँ पर टमाटर और प्याज जो हैं उनको मैश कर लेते हैं, और उसके बाद हमारी जो ये बीफ तवा चाम्प है वो बनकर तैयार हो जाएगी। चलें जी, बस काफ़ी है, क्योंकि मुझे इसके अंदर ना थोड़े थोड़े ये जो खड़े खड़े प्याज और टमाटर नज़र आते हैं ना, वो मुझे तो पसंद हैं, तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको मिक्स नहीं कर रही। आप चाहें तो कर सकते हैं, तो और अगर चाहें तो मेरी तरह ऐसे ही रख सकते हैं। मुझे ज़रा इस तरह से मतलब चाम्प वगैरह में ये अच्छे लगते हैं। तो लास्ट में मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है, 1 लेमन का जूस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, और साथ ही मैं कट करके टमाटर और लेमन इसके ऊपर रख दूंगी, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, बारीक कट किया हुआ अदरक भी डाल देते हैं। चलें जी फ्रेंड्स, बीफ तवा चाम्प हमारी बनकर तैयार है, और खुशबुएँ तो बस कुछ ना पूछें, बड़े ही कमाल की आ रही हैं, बहुत ही मज़े की ये चाम्प बनी है।
फ्रेंड्स, मीट की जो मैंने क्वांटिटी इसमें यूज़ की है वो एक पाव से थोड़ी ज़्यादा होगी और हाफ के जी से थोड़ी सी कम होगी। आ रहा है ना मुंह में पानी। तो फ्रेंड्स, पानी तो आएगा क्योंकि चाम्प बनी ही इतनी मज़े की है। तो लास्ट में जब आपने इसको सर्व करना है तो उससे पहले आपने इसके ऊपर इस तरह से या तो आप मेयोनीज डाल दें या आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और इसको सर्व करें, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और ये देखें फ्रेंड्स, बीफ भी कितना अच्छा सा गल चुका है। तो बस फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।